वेलकम टू लाइव सिटीज डॉट इन। मैं हूं जिज्ञासा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज की स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट। अब ये तो आपको पता ही है कि देश 2019 लोकसभा चुनाव के इलेक्शन मोड में तेजी से जा रहा है। बिहार पीछे कैसे रहेगा? यूपी बिहार जीते बिना केंद्र में बहुमत की सरकार बनती भी कहाँ है? नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी बिहार में परचम लहराना ही होगा। लेकिन बिहार का मिजाज नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों को परेशान किए रखता है। 2015 आपको याद ही होगा, दोनों भाई लालू यादव और नीतीश कुमार मिल गए थे। फिर बिहार ने विधानसभा के चुनाव में भाजपा की लगातार जीत के अश्वमेध रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया था। बिहार की हार को भाजपा ने दिल पे लिया। इधर नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती भी दरकती गई। फिर आया जुलाई 2017 का महीना। सावन का महीना शोर कर रहा था और इस शोर में बिहार का महागठबंधन टूट गया। राजद सत्ता से बेदखल हो गया। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा बिना चुनाव जीते बिहार की सत्ता में भागीदार बन गई। अब जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, दिल टूटने मिलने को लेकर रोज नए पॉलिटिकल कयास लगाए जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि पिछले दिनों रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा रामविलास पासवान भी महागठबंधन में आएंगे। पासवान के युवराज चिराग पासवान भी बोले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चिराग के बयान से संभावनाओं के पटाखे तेजी से फटने लगे। बात बहुत आगे बढ़ने लगी तो रामविलास पासवान ने आग को और भड़कने से थामा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बखान किया। बिहार के ताजा पॉलिटिकल सीन को देखें तो एनडीए में सीट बार्गेनिंग के लिए अभी रामविलास पासवान और नीतीश कुमार साथ चलते दिख रहे हैं। लेकिन रामविलास पासवान और चिराग पासवान को अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर और जमुई की ग्राउंड रियलिटी का भी पता है। ऐसे में लालू यादव की याद आ जाती है। नरेंद्र मोदी की जादू की छड़ी में 2014 जैसा इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा है। लालू यादव संडे 8 जुलाई को ही मुंबई से पटना लौटे हैं। बेल की शर्तें ऐसी हैं कि खुले में बोल नहीं सकते। खुद लालू यादव भी नहीं जानते कि उन्हें इस हाल में अभी कितने दिनों तक रहना होगा। पटना आते ही लालू यादव ने बिहार के पॉलिटिकल थर्मामीटर को मापने का एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। दरअसल लालू यादव को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने में परेशानी नहीं है। वे नरेंद्र मोदी से टकराने को किसी हद तक जा सकते हैं, पर डर इस बात का है कि जिसे सीट दें वो चुनाव बाद सीटें घटने पर कहीं नरेंद्र मोदी के साथ ही न चल दे। रामविलास पासवान के मौसम विज्ञान को लालू यादव ठीक से बूझते हैं। इसी कारण 2009-10 को याद कर लालू यादव भावुक हो जाते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव तक लालू यादव चुनाव लड़ने को अयोग्य नहीं हुए थे। रामविलास पासवान भी साथ ही थे। सीटों को लेकर कांग्रेस से बात नहीं बनी थी। खुद लालू यादव छपरा और पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े थे। रामविलास पासवान हाजीपुर से ही मैदान में थे। तब न लालू यादव के यहाँ और न रामविलास पासवान के यहाँ आज के युवराजों का राजनीतिक अवतरण हुआ था। 2009 के नतीजों ने लालू यादव और रामविलास पासवान को निराश कर दिया था। बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन की जय जय हुई थी। स्वयं लालू यादव भी पाटलिपुत्रा में अपने पुराने मित्र रंजन प्रसाद यादव से चुनाव हार गए थे। लेकिन छपरा में राजीव प्रताप रूड़ी को शिकस्त देकर पार्लियामेंट जरूर पहुंच गए थे। हाजीपुर में रामविलास पासवान को जदयू के राम सुंदर दास से हारना पड़ा था। पूरे बिहार में पासवान की पार्टी जीरो पर आउट हो गई थी। संकट तो लालू यादव के सामने भी था, लेकिन रामविलास पासवान की क्राइसिस अधिक गहरी थी। दिल्ली में रहने को बंगला कैसे सुरक्षित रहे समझ में नहीं आ रहा था। गंभीर क्राइसिस की इस स्थिति में रास्ता लालू यादव ने ही निकाला था। लालू ने 2010 में रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेजने के लिए राजद के दूसरे बड़े नेताओं की दावेदारियों को कुचला। राज्यसभा में जाने को बेताब रहने वाले धन पशुओं को लिफ्ट नहीं दी और राजद विधायकों के वोट पर रामविलास पासवान को राज्यसभा भेज दिया। इस तरह दिल्ली में पासवान का बंगला लालू यादव की मदद से बचा रह गया। आज जब फिर से रामविलास पासवान की बात शुरू होती है तो लालू यादव के पुराने दिन सामने आ जाते हैं।
वे 2014 के चुनाव को याद कर भावुक हो जाते हैं। खुद लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते थे। मोदी के मौसम का ज्ञान हासिल कर रामविलास पासवान भी लालू यादव को झटक चुके थे, नरेंद्र मोदी के साथ हो लिए थे। अब जबकि 2019 के मौसम का पूर्वानुमान करने का प्रयास अभी से चल रहा है, सभी सतर्क हैं। लालू यादव को अपने चश्मे से बिहार की स्थिति सुधरी हुई दिखती है, पर बड़ी लड़ाई के लिए मजबूत खेमेबंदी जरूरी है। ऐसे में महागठबंधन नए सहभागियों के वेलकम को तैयार जरूर है, पर ये गारंटी कैसे हो? मंत्र लालू यादव समेत किसी को नहीं मिल रहा कि चुनाव के बाद सरकार कुछ सांसदों की कमी के संकट में फंसी तो अभी साथ आने वाले तब पलटा पलटी नहीं करेंगे। तो आज लाइव सीरीज के स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट में इतना ही। चलते चलते आप हमारे लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।